टॉपिक्स पे बात करने वाले हैं। सबसे पहले आप लोग जो है टी डी एम और एक्स सोलो का गेम प्ले देखने को मिलेगा, साथ में हम लोग रियल मी X2 प्रो की बात करेंगे और साथ में जो है हम लोग कॉन्क्वेस्ट लॉबी की बात करने वाले हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले बात करते हैं इस टी डी एम और सोलो गेम प्ले के बारे में। तो यहाँ पर जो आप लोग टी डी एम और सोलो का दो गेम प्ले देखने को मिलने वाला है और साथ में जो हम लोग रियल मी X2 प्रो की बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर जो आप लोग तीन वेरियंट देखने को मिलेंगे गाइस। सबसे पहला होगा वो 30,000 पे स्टार्ट होने वाला है बेस वेरिएंट। उसके बाद जो सेकंड वेरिएंट होगा गाइस वो आप लोगों 32,000 और मास्टर एडिशन है वो आप लोगों 35,000 के बीच 35,000 पे मिलने वाला है। सो गाइस ये थे उसके वेरिएंट्स। और यहाँ पर जो आप लोग HDR प्लस एक्सट्रीम का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, मतलब अगर आप लोग गेमिंग के लिए लेने की सोच रहे हो तो भाई आप लाइव स्ट्रीम भी कर पाओगे, कोई डिफरेंस नहीं होगा, बहुत ही OP चलेगा आपको, वो मैं डेफिनेटली बोल सकता हूँ। और वो आप लोगों बैटरी भी जो है गाइस आप लोगों 32 मिनट्स के अंदर जो आप लोगों को 100% करके देती है, 50 वोट का फास्ट चार्जर है। सो यही थे उसके चीज़ें। और बात करते हैं अब हम लोग जो है गाइस गेम प्ले के बारे में। तो यहाँ पर जो हम लोग टी डी एम और गाइस आप लोगों टी डी एम और सोलो का गेम प्ले देखने को मिलेगा। तो यार यहाँ पर हम लोग कल क्या हुआ, हम लोग दो गेम प्ले नहीं, हम लोगों ने 7 गेम प्ले पहले खेले। मैंने टोटल कल के दिन में सिर्फ 7 गेम प्ले खेले क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं होता गाइस, तो मैं बहुत कम गेम प्ले खेलता हूँ। और 7 गेम प्ले खेले और उसमें गाइस मेरे को 2 acre मिले भाई, 2 acre हम लोगों को मिल गए। तो मैं और मेरे बंदे ने सोचा है कि भाई उस वो भी 5th को उसका एग्ज़ाम ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद हम लोग जो है डुओ में पुश करने वाले हैं। तो कल हम लोग ट्रायल कर रहे थे भाई कि किस तरह से हम लोग पुश करना है। तो हम लोगों ने डिसाइड किया था कि हम लोग जो है बिल्कुल ही सेफ खेलेंगे, बिल्कुल भी माइनस होने का कोई चांस ही नहीं लेंगे, बिल्कुल सेफ खेलना है। क्योंकि कॉन्क्वेस्ट पुश करना है तो आप लोग माइनस नहीं ले सकते, हाँ डायमंड तक ले सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है, पर ज़्यादा सेफ खेले तो भाई टाइम वेस्ट नहीं होगा ना। इस वजह से हम लोगों ने डिसाइड किया है कि पहले 2 circle हम लोग बिल्कुल भी पुश नहीं करेंगे, उसके बाद हम लोग जो है खेलेंगे, पुश कर सकते हैं। तो कल हुआ क्या गाइस, हम लोग फर्स्ट मैच लगाया डुओ में, हम लोग अभी गोल्ड 5 पे थे, बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था भाई कि गोल्ड 5 में कॉन्क्वेस्ट टाइप की लॉबी देखने को मिलेगी। लास्ट के 3 circle में भी 25 प्लेयर्स अलाइव थे और गाइस 25 तो प्लेयर अलाइव थे ही, साथ में हम लोगों को 1 acre भी मिला था, 2 acre थे शायद उसमें, 1 acre को मारा था, 2 ही बंदों का कीड फीड में ना मारा था, एक के बाद एक। एक ज्ञान नाम था और एक दूसरा नाम था वो मुझे पूरी तरह से जानती है, लेकिन ज्ञान नाम का जो बंदा था ना भाई उसने फ्लेयर मंगाया। हम लोग एक सेफ जगह पे थे, वहाँ पर ही उसकी बग्घी आई थोड़ी दूर और हम लोगों ने देख लिया उसका आवाज़ है, भाई ने फ्लेयर मंगाया और भाई चला गया और उसके अंदर शेक के अंदर चला गया। हम लोगों ने गए बाहर हम लोग और जो है मेरा बंदा है उसने उसको हेड मारा, लेकिन बंदा मरा नहीं। और जैसे हेड मारा तो ऑब्वियसली है कि क्या इस बंदा जो है कवर लेने जाएगा, लेकिन बंदे का स्प्रे मेरे पे आया जबकि हम लोग बहुत दूर थे, गाइस हम मैं 6S से भी उसको मारने के बारे में सोच रहा था कि मारूं कि नहीं मारूं, और बंदे को सिर्फ मेरे पास जो बंदा था मेरा बंदा उसने जो उसको अटैक से एक हेड मारा था, तो भाई वो मरा तो नहीं तब, बट कोई बात नहीं भाई उसके पास लेवल 3 होगा, कार 98 के शॉट से नहीं मरते बंदे। पर भाई उसने जो है ना भाई मेरे को 6S से प्रे देने लगा, वो पता नहीं उसके पास 6S होगा क्या होगा पता नहीं, लेकिन उसने मेरे को इतनी दूर भाई हेड मारे, मैंने मेरा हेलमेट देखा पूरा हेड डैमेज हो चुका था, जबकि मेरे बंदे ने मारा तो वो उससे सपोर्ट करना चाहिए ना, मैं तो सपोर्ट होने का कोई चांसेस ही नहीं था, मैं एकदम ब्रिज के कवर में था, बंदे ने मेरे को मारा, तो जो मेरा टीममेट था वो तो पहले ही बेक हो गया, उसको पता चल गया था कि ये कर है, और मैं भी सोच ही रहा था कि चलो निकलते हैं। मैं जैसे ही पीछे भागा फुल ब्रिज के कवर में मैं फुल मेरे को मारा भाई और मेरे को नॉक भी कर दिया, लेकिन वो बंदा बहुत दूर था इसलिए वो मैं हम पे रश नहीं कर पाया। और फिर हम लोगों ने डिसाइड किया, हम लोग डायरेक्ट गाड़ी में बैठे और भाई निकल गए, क्योंकि वहाँ पे रहने का ना भाई बिल्कुल कोई चांस नहीं था, वहाँ पे रहते ना तो मारे जाते उस हैकर के साथ में। सो हम लोगों ने डिसाइड किया यहाँ से निकलते हैं क्योंकि वहाँ पे रहने का कोई फ़ायदा नहीं था, तो हम लोग जो है निकल गए और हम लोग चले गए एकदम ब्रिज के दूसरी साइड, ब्रिज बना था वहाँ पर एकदम जोन के एंड में चले गए। और अच्छी बात ये है कि हम पे जो है तीनों के तीनों जोन, लास्ट के 3 जोन हम पे बने, और फिर भाई उसको ओपन में आना था तो यही एक टाइम था, लेकिन फिर भी उन लोगों ने हमारे पास एक पत्थर का बहुत बड़ा पत्थर था उसका कवर था, ब्रिज भी था हमारे पास, तो बंदे ने जो है हमारे मेरे बंदे को जो है मारा उसने AWM से, लेकिन कोई बात नहीं वो तो मार सकता है,
हुआ क्या कि भाई को ओपन में आना था, तो मैंने इसको जल्दी से हाथ लगाया ताकि जो है हम लोग इसको फटाक से इसको रिवाइव कर सकते हो। उसको जो जब वो ओपन में आएगा तो हम दोनों ने क्या किया, हम दोनों जो है अलग हो गए, क्योंकि अलग अलग साइड से मारेंगे तो बंदा दोनों पे जल्दी एम नहीं ले पाएगा। लेकिन अगर एक ही जगह पे हम लोग जो है रहते हैं तो बंदा इसलिए हमको मार देता। हमारे पास ब्रिज और पत्थर दोनों का कवर था, तो हम लोगों ने आराम से बंदे को जो भाई उसको आना ही था ओपन में, और बंदे ने गलती भी की कि भाई ओपन में आके जो बंदा लेटा, बंदा जैसे ही लेटा गाइस हम लोग दोनों चढ़ गए, दोनों ने अलग अलग साइड से स्प्रे दिया और बंदे को फिनिश किया। वो गेम तो हम लोगों ने एकर से निकाल लिया। उसके बाद हम लोगों ने स्कोर में गेम खेला, हम लोग डायमंड टू पे थे और पुश नहीं कर रहे हैं, हम लोग ऐसे ही खेल रहे थे, तो सोचा चलो खेलते, तो भाई हम लोग स्कोर गेम प्ले खेल रहे थे। और वहाँ पर जो हम लोग को एक स्कोर हमारे पे आई, हमने जो है वो ड्रॉप ख़त्म किया, फ्लैट ड्रॉप मंगाया, वहाँ पर हमारे पे एक स्कोर आई और वहाँ पर भी एकर मिल गया। तो अगर गाइस आप लोग शॉर्ट में, मैं आप लोग यही कहना चाहूँगा कि अगर गाइस आप लोग जो है पुश करने की सोच रहे हो तो भाई एक बात जान लो, बहुत एकर मिलने वाले हैं, बहुत ज़्यादा एकर मिलेंगे आप लोगों को, क्योंकि इतने एकर बढ़ चुके हैं ना भाई कि क्या बताऊँ मैं। सिर्फ और सिर्फ एकर देखने को मिल रहे हैं हम लोगों को इस गेम में, पता नहीं क्यों, लेकिन एकदम भाई एकर के अलावा कुछ मिल ही नहीं रहा है। 7 गेम में 2 एकर मिल चुके हैं। हम लोग तो वहीं पे गांठ फट चुकी थी भाई, पूरा कंट्रोल पे जाना है और कैसे जाएंगे भाई, क्योंकि एकर इतने बढ़ चुके भाई। आईडी बैन हो रही है सबकी, सिर्फ 10 मिनट के हो रही है भाई, बाकी कुछ नहीं हो रहा, सब सिर्फ 10 मिनट के लिए हो रही है। तो चलिए भाई यही थी बात करने के लिए, अभी भाई गेम प्ले के बारे में बात करते हो। भाई यहाँ पर हम लोग जो है आ चुके हैं और मैंने यहाँ पर जो है नो पे ख़त्म किए बंदे और फिर यहाँ पर आया, और यहाँ पर पता नहीं ग्लिच हुआ था मेरे साथ, मैंने जब उस पर स्मोक किया, यहाँ पर एक बंदा था अभी अभी जो मैंने स्मोक किया था उस पर बंदे पे स्मोक नहीं लगा, पता नहीं मेरे को स्मोक क्यों नहीं हुआ। ये कई बार ग्लिच हो रहा है, सबके पास हुआ, मैक्सटन के साथ भी हुआ था, लेकिन आगे पता नहीं जब मैं स्मोक करता हूँ तो स्मोक दिखने लगता है, अभी यहाँ पर मैंने स्मोक किया नहीं दिखा। और ये बंदा भाई गंदा मार रहा था, लेट चुका था, मेरे को ठीक से दिख भी नहीं रहा था, लेकिन मैंने फिर दिखा तो मैंने चला इस पर एक नेड करते, बंदा खड़ा होता है कि नहीं, लेकिन ये भाई इतना बड़ा स्नेक था कि इसको खड़ा ही नहीं होना था, तो भाई कर देते हैं इसको भी ख़त्म। और यहाँ पर भाई जितने भी बंदे मेरे को मिले ना, सब टीवी वाला मिले मेरे को, तो यहाँ पर जो है एक बंदा मेरे को फुटस्टेप सुनाई देता, तो मैं गाड़ी वापस घुमाता हूँ और सोचता हूँ भाई चलिए इसके साथ जो थोड़ा हम लोग खेलते हैं, नेट वेट खेलेंगे हम लोग, उसके बाद जो है रश करते हैं। तो मैंने मेरे पास, मैं हमेशा ही तीन चार नेट रखता, मतलब रखता हूँ, जैसे क्या भाई सब जगह पे डालना चाहिए, क्या नेट रख के, नहीं रख के क्या फ़ायदा भाई, नेट रखेंगे तो भाई जितने होंगे फेंकने के लिए काम आएंगे ना, तो सारे नेट जो है मैं उस पर डालता हूँ। और भाई बंदा भी क्या करता है, उसे लगता है मैं पुश करूँगा, तो बंदा खुद भी नेड करने लगता है सीढ़ियों पे, उसके लगा जो है मैं पुश करूँगा तो वो भी नेड करने लगता है। उसके बाद जो है मैं यहाँ पर आता हूँ तो बंदा जो है भाई सोच लेता हूँ मैं कि भाई इन्हें उस पर पुश किया जाए, लेकिन बंदा वो भी वही सोचता है और वो भी मेरे पे आने की सोच रहा है, और मैं जैसे ही थोड़ा सा ऊपर आने की कोशिश करता हूँ बंदा मेरे पे एक सेट आके गिर जाता है, लेकिन भाई बंदे की किस्मत ख़राब थी कि एकदम ग्रोसा के सामने गिरा और भाई बंदा ख़त्म हो गया। तो यहाँ पर जो भाई गाड़ियाँ आती जा रही थी, और भाई एक चीज़ आपको सीखने को मिलेगी, वो तो आप लोग भी पता है कि कभी टीपीपी के सामने मत जाना। यहाँ पर भी जो है बंदा आता है और इसके पीछे जो है टीपीपी लेने की कोशिश करता है, लेकिन मेरे को कुछ स्टेप्स नहीं दिए थे, तो वो जो है मैं जल्दी से एक नेड मारता हूँ और फिर यहाँ से जाऊँगा, क्योंकि बंदे को सामने ही आना पड़ेगा, तो इस वजह से जो मैं यहाँ से जाऊँगा और गाड़ी का कवर तो मेरे को मिल ही जाएगा, लेकिन बंदा जो है पीछे की साइड में आ जाता है, तो वापस वो कवर में आ जाता है और टी पी पी ले में आ जाता है, लेकिन फिर भी उसको पता नहीं था कि मैं कहाँ पर हूँ और भाई बंदा मर जाता है। बट ये टी पी पी के सामने भाई जाने की मैं गलती मत करूँ, मेरे को पता है इस गेम प्ले में वही गलती करने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी गाड़ियाँ आ चुकी थी भाई, इतनी 3-4 गाड़ियाँ यहाँ पर आ चुकी थी। सबसे पहले एक यहाँ पर सामने शेक पे बंदा था, उसके बाद एक बग्गी यहाँ पर आई, तो बग्गी वाले को तो मैं जल्दी से ख़त्म करता हूँ, इसको तो भाई गलती से ख़त्म कर देता हूँ, मतलब मेरा भी रोड पे जाने वाला था लेकिन ख़त्म हो जाता है बंदा इसमें। और यहाँ पर एक शेक पे बंदा था, उसके बाद एक और गाड़ी यहाँ पर आई थी, पीछे की साइड में गाड़ी आई, देखो यह गाड़ी आई एक, उसके बाद जब जैसे मैं इस पे जाता हूँ तो एक और गाड़ी आ जाती है, और भाई फिर मैं कन्फ्यूज़ हो जाता हूँ कि कहाँ पर मारूँ,
ये बंदा ऊपर टीपी पे ले रहा था, अब वहाँ पे उस पर जा रहा हूँ, मेरे पास नेड नहीं था तो नेड में कर नहीं सकता था, तो एक बूस्ट लगा मैं जो उस पर सोच रहा था कि चलो चलते हैं उस पर। तो यहाँ से मैं देखता हूँ कि शायद ही वो बंदा दिख जाए, लेकिन बंदा जो है दिखता नहीं, और मेरे को नेड का डर था कि अगर वो नेड मार देगा तो मर जाऊँगा। तो मैं सोचता हूँ भाई पीछे वाले को भी देखना था कि पीछे वाला क्या कर रहा है, लेकिन वो भी मेरी साइड पे पुश कर रहा था, तो इसको भी हिट देता हूँ और भाई बंदा बच जाता है। बट क्या कर सकते, कुछ नहीं हो सकता, दूर था बंदा। और अब जो है मेरे पास ध्यान था पीछे वाला जो वापस फायर हुआ उस पर, तो उस पर मेरा ओबियसली ध्यान था, लेकिन बंदा जो है बच जाता है वहाँ पर। तो और तब जो एक गाड़ी आती है और मैं जाता हूँ उस गाड़ी के पीछे, तो भाई गाड़ी मुझे नहीं पता था बंदा यहाँ पर टीपी पे ले रहा है, और जैसे मैं आया भाई झटका लगा और ख़त्म हो गया भाई। तो यही है, टीपी पे मत लो, रिस्क मत लो।